हे हाई गाइज, वेलकम टू 2 मिनट ट्यूटोरियल वीडियो। दिस इज आवर फर्स्ट 2 मिनट ट्यूटोरियल वीडियो वेर यू कैन टॉक अबाउट हाउ यू कैन डू गन फायर इफेक्ट्स। इट मीन्स हाउ यू कैन एज मजल इफेक्ट इन योर गन वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स सी दिस। सो गाइस, सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ, सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता है। किसी भी ऐप में जो सो तुम लोग इजीली बना सकते हो जो जैसा टेक्निक का यूज करने वाला हो, इसलिए तुम लोग जो टेक्निक पे ध्यान देना, न कि सॉफ्टवेयर पे। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने गन के रॉ वीडियो को हम ऐसे सो टाइम लाइन पे ला लेंगे। तो देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके का रॉ वीडियो है। शूट करने के टाइम थोड़ा सा गन को पीछे की तरफ पुश कर देना ताकि लगे कि हमारा रियल गन है। इसके बाद से मजल इफेक्ट को हम लोग जैसे इंपोर्ट करेंगे, जिसका लिंक जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से तुम लोग जैसे डाउनलोड कर सकते हो। चलो यहाँ पे इसको यहाँ पे टाइम लाइन पे ला लेते हैं। टाइमलाइन बनाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा कहाँ जो सो फायर हो रहा है। यहाँ से हमारे गन जो सो फायर हो रहा है, तो यहाँ पे मजल इफेक्ट को हम ला लेंगे। अभी हमारा मजल इफेक्ट बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको रिसाइज करेंगे। स्केल करने के लिए यहाँ से स्केल कर लेंगे, इसको भी एंगल को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और अपने गन के अकॉर्डिंग जो इसको एडजस्ट कर लेंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर में तुम लोग कर सकते हो इसको। इसके यहाँ से ब्लेंडिंग मोड को भी हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे, चेंज टू स्क्रीन कर लेंगे। अभी हमारा थोड़ा सा सेचुरेशन कम लग रहा है, बट इसको हम लोग सही कर लेंगे कलर ग्रेडिंग करके। इन तीनों में हम लोग की फ्रेम लगाएंगे, तो तीनों को यहाँ पे सेलेक्ट करके की फ्रेम ऑन कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे जाएंगे और इसका थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। अपने गन के अकॉर्डिंग इसको हम एडजस्ट करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। हमारा गन ऊपर जा चुका है, लेकिन फायर हमारा जैसे स्मोक नीचे से निकल रहा है, इसके लिए हम इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें अपसिटी के एंगल को यहाँ पे ऑन कर देंगे, फिर आगे आएंगे और इसको ज़ीरो कर देंगे। ये हमारा सही लग रहा है। इसमें हम यहाँ पे गन साउंड को भी ऐड कर लेते हैं, तो पिस्टल के गन साउंड का भी लिंक जैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। इंपोर्ट करने के बाद इसको हल्का सा पहले रखेंगे, ताकि हमारा गन पहले फायर हो रहा है और वहाँ पर मजल इफेक्ट थोड़ा बाद में आ रहा है। एक बार प्ले करते हैं, देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद ऐड करेंगे हम कैमरा से। कैमरा से ऐड करने के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर एक ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जैसे इसको वहाँ पे टाइमलाइन के सबसे ऊपर ऐसे पिलाएंगे। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा जैसे शेक ऐड करेंगे। शेक ऐड करने के लिए हम इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, एडक्शन ब्लर को यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे ला करेंगे, इसको फिट कर टू स्क्रीन कर लेते हैं। इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे और इसको यहाँ पे करीब 10 से 11 के बीच में कर लेंगे, मैं 12 कर लेता हूँ। अब हमारा यहाँ पे पूरे वीडियो पे लग चुका है, इसलिए हम इसको क्रॉप करेंगे, एक फ्रेम से 2 फ्रेम रखेंगे। फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और एडजस्टमेंट लेयर को डिलीट करेंगे और सेकंड वाले को भी डिलीट करेंगे, और सेकंड वाले को सिलेक्ट करके इसका थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर लेंथ कम कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 6th। सही लग रहा है। अब यहाँ पे हम अगले पार्ट पे भी ऐड कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके से हम लोग जैसे ऐड कर सकते हैं इसको। सो दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। आई होप यू एंजॉय इट। I see you in the next video. Till then, bye-bye.